झड़ पड़ने से पहले की बात करेंगे, लोगों की बहुत बहुत उम्र हुआ करती थी। मैं बता रहा हूँ ना, उम्र किस तरीके से घटती चली जा रही है और कितनी घट गई है। बहुत से लोग कहते हैं, अरे 2000 साल हो गए, यीशु मसीह नहीं आया। ये सोचिए कि हमें 2000 साल मिल गए, उनको 120 साल मिले थे, हमें 2000 साल से ज्यादा हो गए हैं। हमें मिल प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात करेंगे उम्र का घटना क्यों। जी हाँ, आज मनुष्य की आयु जो है, एज जो है वो क्या है? आज मनुष्य की आयु जो है उसका कोई मायने नहीं है। कभी भी इंसान किसी भी एज में जो है वो खत्म हो सकता है। और खास तौर से जो है, अगर हम बात करेंगे मनुष्य की आयु की बात करेंगे, तो आज बहुत से लोग 50 वर्ष की एज में जो है खत्म हो जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा उनकी एज जो है 70 वर्ष या 80 वर्ष हो जाती है। इससे ज्यादा जो है वो नहीं जी पाते हैं, और बहुत सी जो है प्रॉब्लम मनुष्यों के शरीर के अंदर आ गई है। चाहे वो कितनी भी अपने जॉगिंग कर लें, या कितनी भी बेड लिफ्टिंग कर लें, या कितना भी वो जिम में जाकर अपनी पर्सनालिटी को बना लें, परंतु जब मौत आती है तो ये सारी चीजें यूं ही रखी रह जाती हैं, ये चीजें काम नहीं आती हैं। और आज मनुष्य का जीवन है ही क्या, कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की रचना करी और मनुष्य को बनाकर जब अदन की वाटिका में रखा, तब परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि उसने मृत्यु नहीं बनाई थी। जी हां, मृत्यु का कहीं से कहीं तक कोई भी नाम नहीं था, परंतु हां एक चुनाव जो था वो परमेश्वर ने आदम के आगे रखा था कि ये चुनाव जो है वो आदम का है। अब वो चुनाव क्या था, मैं आपको बाइबल से पढ़कर बताना चाहता हूं। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं उत्पत्ति 2 अध्याय और उसका 16 और 17 पद। यहां पर लिखा हुआ है, बल्कि मैं 15 पद भी पढ़ देता हूं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, और वे उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब यहां परमेश्वर ने क्या रखा, देख आदम, ये जो फल है वाटिका के बीच में जो पेड़ लगा हुआ है, वाटिका के सभी फल को खाना, कोई परेशानी नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। परंतु यदि वाटिका के बीच में जो पेड़ लगा है जिसका नाम भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, उसका फल तू कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। अवश्य मर जाने का मतलब क्या है कि उस दिन मृत्यु जो है वो तेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगी और तेरे जीवन को क्या करेगी, एक निर्धारित जीवन जो है वो तेरे जीवन में या तेरे शरीर में जो है एक निर्धारित जीवन जो है वो आ जाएगा कि तुझे अब इतने साल तक तू इस पृथ्वी पर जिएगा और उसके बाद तू मर जाएगा। मृत्यु जो है कैसे मतलब आई, किस तरीके से आई, यहां पर लिखा हुआ है, मैं आपको बताना चाहूंगा रोमियो 5 अध्याय उसका 19 पद। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। छिया, यहां जो परमेश्वर का वचन कहता ना कि एक मनुष्य के यानी आदम के आज्ञा ना मानने से बहुत से लोग क्या हो गए, पापी ठहरे। पाप का मतलब क्या, अभी अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। यानी एक इंसान के द्वारा जो है, आदम के द्वारा जब पाप हुआ, उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करा, जिस आज्ञा को परमेश्वर ने दिया कि तू इस वृक्ष के फल को मत खाना, वही उसने खाया, यानी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना जो है वो पाप कहलाया, और वो पाप जो है जब उसके अंदर आया तो क्या हुआ, सारे मनुष्यों के अंदर पाप आ गया, यानी सारे मनुष्यों के अंदर वो मृत्यु जो है वो फैल गई। और प्रभु यीशु मसीह जो आया कि एक मनुष्य के द्वारा अनंत जीवन आया, अर्थात वो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया और हम सबको वही अनंत जीवन देने का उसने प्रयत्न किया, यानी हमें अनंत जीवन दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 जब आप पढ़ेंगे वहां परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, परंतु परमेश्वर ने मृत्यु को नहीं बनाया था, ये चुनाव जो था वो किसकी ओर से था,
यह मनुष्य की ओर से था। फिर क्या लिखा हुआ है, रोमियो 5:12 में, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु, क्योंकि आदम से सारी सृष्टि बनी है, क्योंकि आदम से सारे मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। अब जब आदम से सारे मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है तो आदम के जीवन में मृत्यु आई, आदम के जीवन में पाप आया, तो उससे जितने लोग पैदा होते गए वो किसमें होते गए, पाप में पैदा होते गए, और जितने लोग पाप में पैदा होते गए वो सब ने क्या करा, मृत्यु को पहन लिया, यानी सबके जीवन में मृत्यु ने प्रवेश करा। यानी मृत्यु क्या है, मृत्यु जो है आपके जीवन को निर्धारित करती है कि बस आपका जीवन ही है। परमेश्वर ने वहां पर मृत्यु नहीं बनाई थी कि आदम के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई मृत्यु नहीं थी कि आदम इतने साल तक जिएगा उसके बाद वो मर जाएगा। परमेश्वर ने कहा जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन श्योर मर जाएगा। अगर वो फल नहीं खाता तो आदम आज भी नहीं मरता। और आज दुनिया की जो पिक्चर है वो बिल्कुल अलग होती, बिल्कुल अलग होती। हम लोग की सोच विचार बिल्कुल अलग होते, परंतु पाप ने हमारे विचारों को, हमारे सोच को बदल डाला और हमारे अनंत जीवन को मृत्यु में बदल डाला। और ये परमेश्वर की ओर से नहीं हुआ, यह हमारी अपने चुनाव की ओर से हुआ, हमारी अपनी गलतियों की वजह से हुआ। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, क्योंकि मृत्यु मनुष्य के लिए क्या बन गई, मजदूरी बन गई। जी हाँ, रोमियो 6:23 में लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अब क्या मृत्यु क्या बन गई, मृत्यु हमारी मजदूरी बन गई, हमें मजदूरी में मिली है। क्यों मजदूरी में मिली, क्योंकि हमने पाप कमाया। जी हाँ, हमने पाप कमाया, पाप की खेती करी, और पाप की जब खेती करेंगे तो नेचुरली बात है कि बुराई की खेती काटेंगे, मृत्यु की खेती काटेंगे, और वो मृत्यु जो है वो हमें मजदूरी में मिली। परंतु प्रभु यीशु मसीह आया हमें अनंत जीवन देने के लिए, मगर इसके बावजूद भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे उस समय आदम के ये विचार थे, आदम को अनंत जीवन से कोई मतलब नहीं था, आदम ने उस फल को खाकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और मृत्यु को पहन लिया। ऐसे ही आज भी लोग अनंत जीवन को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारे समक्ष खड़ा हुआ है, हमारे सामने है, परंतु हम उसको ग्रहण नहीं करना चाहते, पाना नहीं चाहते। हम मृत्यु में खुश हैं, हमारा जो जीवन जो सिमट गया है उसमें खुश हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब यूहन्ना 11:26 पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है और यदि वो मर भी जाए तो भी क्या होगा, जीवित रहेगा। यहां लिखा ना, परमेश्वर का वचन कहता है, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? प्रभु यीशु मसीह ने यह बात जो है मार्था से कही कि जो उस पर विश्वास करता है, जब हम विश्वास करते तो अनंत जीवन पाते, परंतु हमें अनंत जीवन से कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो मृत्यु से प्यार है और इसलिए पाप करते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आप जानते हैं पुराने समय में जल प्रलय से जो पहले की जब हम बात करेंगे, जल प्रलय से पहले की बात करेंगे, लोगों की बहुत बहुत उम्र हुआ करती थी। मैं बता रहा हूं ना, उम्र किस तरीके से घटती चली जा रही है और कितनी घट गई है। आज मैं इस चीज पे आपसे बातचीत कर रहा हूं, इस चीज के विषय में बता रहा हूं कि आज हमारी उम्र जो है कितनी घट गई। पहले मैं आपको बताऊंगा, ठीक है आदम ने पाप करा, मगर उसके बावजूद भी बहुत उम्र हुआ करती थी, बहुत एज के लोग हुआ करते थे। आज जो है अगर 130 वर्ष का या 130 वर्ष की तो बहुत बड़ी बात है, अगर 105 या 104 वर्ष का कोई व्यक्ति या कोई महिला हो जाती है तो हम लोग वो जो है न्यूज में आ जाता है, 104 की ये महिला, 105 वर्ष का ये व्यक्ति जो है वो आ गया। अब सोचिए कि इससे भी कहीं ज्यादा जो थी उम्र हुआ करती थी पाप करने के बाद भी। और ये जल प्रलय के बाद, जब दुनिया में जल प्रलय आया था, जल प्रलय के द्वारा दुनिया जब समाप्त हुई थी, उससे पहले जो है मृत्यु जो सॉरी उससे पहले जीवन कितना हुआ करता था उसके बारे में मैं बात करूंगा। आप उत्पत्ति 5:1-32 पद तक आप पढ़ सकते हैं, वहां पर है आदम की उम्र जो थी 930 वर्ष, शेत की उम्र 912 वर्ष, एनोश की उम्र 905 वर्ष, केनन की उम्र 910 वर्ष, महललेल की उम्र जो है 895 वर्ष, और येरेद की 962 वर्ष, हनोक की
365 वर्ष। मगर मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि हनोक जो था वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ था, परंतु परमेश्वर के साथ चलते चलते लिखा है कि वो लोप हो गया यानी उठा लिया गया था 365 वर्ष की आयु में। मतुशिले की उम्र 969 वर्ष और लेमेक की उम्र 777 वर्ष जो थी वो थी। अब देखिए कितनी उम्र हुआ करती थी उस समय, इतनी लंबी लंबी उम्र जो थी हुआ करती, परंतु जब पाप बढ़ गया और पाप बहुत बढ़ने लगा तो परमेश्वर जो था खुश नहीं हुआ कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी इस पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बुरा बुरा उत्पन्न हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, सिर्फ बुराई हो रही है। और परमेश्वर चाहता है कि पृथ्वी पर जो है अच्छी चीज उत्पन्न, अच्छी चीजें उत्पन्न हो, अच्छाई हो और किसी भी प्रकार की बुराई ना हो, क्योंकि परमेश्वर बुराई को नहीं देख सकता है। और इसलिए वो क्या कहता है, जब उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 3 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। अब ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर क्या कह रहा है कि मेरा जो आत्मा है वह हमेशा मनुष्यों से बातचीत करता नहीं रहेगा, हमेशा मनुष्यों के बीच में फिरता नहीं रहेगा। क्यों कह रहा है वो इस बात को कह रहा है, क्योंकि मनुष्य के जीवन के अंदर क्या है, बुराई बुराई हो रही है, सिर्फ बुराई के अलावा और कुछ हो नहीं रहा, पाप पाप हो रहा है, जब चारों तरफ देखो पाप है, जिस मनुष्य के जीवन में देखो पाप है, पापी पाप है, पापी पाप है। और परमेश्वर कह रहा है मेरा आत्मा कैसे इनके बीच में रह सकता है, कैसे इनके बीच में चल फिर सकता है, कैसे ये मेरे आत्मा को ग्रहण कर सकते हैं। और वो क्या कह रहा है कि अब से मनुष्य की आयु 120 वर्ष होगी। अब से मतलब बहुत से लोग सोचते हैं यहां पर कि मनुष्य की आयु जो है परमेश्वर ने 120 वर्ष निर्धारित कर दी, ये गलत सोचते हैं। यहां पर मनुष्य की आयु जो है वो 120 वर्ष तक निर्धारित नहीं है, परंतु उस समय लोगों की आयु बहुत हुआ करती थी, परंतु ये उस समय है कि परमेश्वर ने जब ये बात करी नूह से, नूह जो था धर्मी व्यक्ति था और परमेश्वर का भय मानता था, और जल प्रलय के समय जो है परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचा के रखा था। जब परमेश्वर ने नूह से बात करी उस समय से लेकर और जब तक जल प्रलय ना आ जाए तब तक जो है उनकी जो जीवन है उनके पास सिर्फ 120 वर्ष का है, क्योंकि परमेश्वर ने 120 वर्ष का उन्हें समय दिया कि अपने समय को, अपने आप को बचा लो, आप पश्चाताप कर लो, आप परमेश्वर के अधीन हो जाओ और परमेश्वर के अधीन जो है परमेश्वर का भय मानो और बुराई को छोड़कर भलाई करने लगो तो परमेश्वर तुम्हें छोड़ देगा। और नूह को उसने ये आज्ञा दी कि तू जहाज बना, और जहाज बनाने में और नूह इस बात का भी प्रचार करता रहा कि पश्चाताप करो और तौबा करो, क्योंकि परमेश्वर जो है इस दुनिया को जल से जो है वो पूरे पानी से जो है खत्म करने जा रहा है। लोग उसका मजाक बनाने लगे, अरे जल कहां से, क्योंकि उस समय तक जो था पृथ्वी के ऊपर एक बूंद भी पानी नहीं गिरा था, सिर्फ ओस गिरती थी या कोहरा उठता था, बल्कि बरसात नहीं होती थी। लोग कह रहे अरे इतना टनों पानी आएगा पूरी पृथ्वी भर जाएगी, लोग उसका मजाक बनाने लगे। मगर नूह ने जो है जहाज बनाया और जहाज बनाकर सारे लोगों को, मतलब सारे लोगों का मतलब क्या है कि जो दुनिया में लोग थे वो तो नहीं चढ़े, उन्होंने परमेश्वर के उस जो प्रचार नूह ने करा उसको, उसका पालन नहीं करा, उन्होंने उसका मजाक बनाया, उन्होंने हंसी बनाई कि अरे ये तो ऐसे ही है, पागल हो गए, इतना बड़ा जहाज बना रहा है। परंतु परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जब नूह ने जहाज बना लिया और नूह उसके अंदर चढ़ गया, सारे उसका परिवार के लोग चढ़ गए, सारे जानवर जो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी, पक्षियों को जितने पक्षी शुद्ध अशुद्ध रखने थे वो सब चढ़ गए, तब परमेश्वर ने उस जहाज का द्वार बंद कर दिया। और जब जहाज का द्वार बंद हो गया तब जो था, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जल प्रलय हुआ, आकाश के झरोके खुल गए, पृथ्वी के झरोके पानी के जो है वो खुल गए और जो है पृथ्वी में से पानी निकलने लगा, ऊपर से पानी गिरने लगा। और इस बात को देखकर बहुत से लोग डर गए होंगे, बहुत से लोग जब बादल काले काले बादल गरज रहे होंगे, बिजलियां कड़क रही होंगी, भागे होंगे जहाज की तरफ, परंतु वो जहाज पर चढ़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें पूरा 120 वर्ष का समय दिया था कि अपने जीवन को सुधार लें, अपने मार्ग को उस गलत मार्ग से हटकर सही मार्ग पर आ जाएं। आज भी बहुत से लोग कहते हैं अरे 2000 साल हो गए, यीशु मसीह नहीं आया। ये सोचिए कि हमें 2000 साल मिल गए, उनको 120 साल मिले थे, हमें 2000 साल से ज्यादा हो गए हैं हमें मिल रहे हैं, और हमें और वर्ष मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम नूह के समय के लोगों के समान नाश हो जाए और हमेशा के लिए नरक में चले जाए।
परमेश्वर मुझे और आपको बचाना चाहता है, इसलिए समय पे समय, समय पे समय दिए जा रहा है। और हम लोग कह रहे हैं अरे सब झूठ प्रचार है, सब झूठा प्रचार करते हैं, यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा, 2000 साल हो गए अभी तक तो आया नहीं, सब झूठ बोल रहे हैं, सब ड्रामेबाजी है। या आपको लगता है ड्रामेबाजी है, आप समझ रहे हैं? क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को, अगर आप परमेश्वर के वचन को गहराई से पढ़ेंगे तो उसको एक एक बात को पूरा होता हुआ देखेंगे, तब आपके समझ में आ जाएगी कि ये बात बाइबल में लिखी है और ये कैसे पूरी हो रही है। हर वचन पूरा हो रहा है, रोजाना परमेश्वर का वचन पूरा होता है और हम अपनी आंखों से देखते हैं परंतु उसको अनदेखा कर देते हैं और फिर तमाशा बनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो आया नहीं है, 2000 वर्ष हो गए, ये तो पादरी लोग ऐसे ही बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलते हैं, याद रखिए कि इसलिए परमेश्वर क्या कहता है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जल प्रलय के बाद जो है फिर इंसान की उम्र कितनी रही, ये 120 वर्ष का जो था वो उस समय के लोगों के लिए निर्धारित था कि वो अपने जीवन को बचा लें। आज जैसे हमारे पास 2000 साल हो गए हैं और पता नहीं और आगे कितना परमेश्वर हमें वर्ष देगा कि हम अपने जीवन को बचा लें और प्रभु यीशु मसीह में आ जाएं ताकि हम नरक की आग से बच जाएं। और यहां पर है जल प्रलय के बाद जो है मनुष्यों की उम्र, उत्पत्ति 11 अध्याय 10 से 32 पद तक पढ़िएगा, शेम की उम्र थी 600 और पुरुषद की उम्र थी 438, शेला की उम्र थी 433, बेर की उम्र थी 464, प्लेग की उम्र थी 239, रू की उम्र थी 239, सरुक की उम्र थी 230, नाहोर की उम्र थी 148, तेरह की उम्र थी 205 और नू की उम्र जो है पूरी उम्र जो 950 वर्ष का जो था वो नू था, 950 वर्ष का। अब देखिए उम्र पहले कितनी थी, लगभग 1000 से लेकर और क्या कहते हैं 700-800 के बीच में उम्र थी, और उसके बाद उम्र कितनी घट गई, कितनी घटती चली गई। और उसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी, और जब परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी उसके बाद जो है उम्र कितनी होने लगी। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्पत्ति 25 का 7 पढ़ेंगे तो अब्राहम की उम्र 175 वर्ष, उत्पत्ति 25 का 17 पद पढ़ेंगे जब आप इस्माइल की उम्र जो थी 137 वर्ष, और उत्पत्ति 35 का 28 पढ़ेंगे तो इजाक की उम्र 180 वर्ष, और उत्पत्ति 47 का 28 पद पढ़ेंगे तो याकूब की उम्र 147 वर्ष, और उत्पत्ति 50 का 22 पढ़ेंगे तो यूसुफ की उम्र 110 वर्ष, व्यवस्था विवरण 34 का 7 पढ़ेंगे तो मूसा की उम्र 120 वर्ष, यहोशू 24 का 29 पद पढ़ेंगे तो यहोशू की उम्र 110 वर्ष, अय्यूब 42 का 16 पढ़ेंगे तो अय्यूब की उम्र 140 वर्ष थी। ये आ गए, अब हम लोग जो है बिल्कुल अंतिम समय में आ गए। अब अंतिम समय में लोगों के पास कितनी उम्र है, देखिए उस समय भी तब भी 140-170 वर्ष हुआ करती थी, परंतु इस अंतिम समय में जो है लोगों की उम्र कितनी है, चलिए आज अंतिम समय के बारे में भी पढ़ लेते हैं। आप निकाल सकते हैं भजन संहिता 39 और उसका 5 पद, देख तूने मेरी आयु 42 भर की रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं, सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। अब यहां क्या कह रहा है परमेश्वर, परमेश्वर का वचन कह रहा है, अब देखे भजनकार क्या कह रहा है कि तूने मेरी उम्र 42 वर की है। अब 42 वर क्या है, नापा, खत्म, आपने एक 42 नापी, खत्म है। और वो क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तेरी नजरों में मेरी अवस्था, मेरी आयु कुछ है ही नहीं, कोई मायने नहीं रखती है, और जितनी भी है सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ में जा रही है। अब सोचिए कि 42 वर्ष की उम्र है, ये अंतिम समय के लोगों की बात आ गई। आप पहले उम्र कितनी थी, चलो अब्राहम के समय में भी कम से कम 200, लगभग 200 के करीब तो उम्र हुआ करती थी, परंतु आज, आज क्या है, आगे 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 और भी सुनिए, दे, दे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, भजन संहिता 102 का 11 पद, मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास के समान सूखा चला हूं। अब क्या है, मनुष्य की आयु किसके समान है, ढलती हुई छाया के समान। जैसे जब सूरज निकलता है तो आपने देखा होगा आपकी छाया, बहुत सी बिल्डिंगों की छाया, पेड़ की छाया, ये छाया क्या है, बढ़ती ढलती चली जाती, ढलती जैसे जैसे सूरज चढ़ता चला जाता है ढलती जाती है और छाया खत्म हो जाती है। ऐसे हम भी खत्म हो गए एक दिन के अंदर, वो छाया एक दिन के अंदर क्या, कुछ घंटों के अंदर वो छाया समाप्त हो जाती है, हम छाया के समान है कि कुछ ही क्षणों में हम, हमारा जीवन क्या होता है, समाप्त हो जाता है। फिर लिखा है भजन संहिता 103 का 15 और 16 पद, मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है,
जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वह अपने स्थान में फिर मिलता है। किसके समान है मनुष्य की आयु? घास के समान। वो कहता नहीं, परमेश्वर का वचन भी कहता है कि मैदान की घास आज खोदी जाती है और कल भाड़ में झोंकी जाती है। मैदान की घास क्या है? घास क्या है? घास काटी जाती है और वो सूख जाती है और फिर वो जला दी जाती है। आज हमारा जीवन क्या है? कह रहा परमेश्वर का वचन कहता है इस अंतिम समय के लोगों का जीवन एक घास के समान है। और एक बहुत बड़ी बात आई है, मैं आपको बताना चाहता हूं, याकूब 4:14, बड़ा ध्यान दीजिएगा परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। सुन तो लो, अरे भैया कहां जा रहे हो, मेरी बहन मेरे भाई कहां जा रहे हो, सुन तो लो, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, आप पढ़ लीजिए। याकूब 4:14 में बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ है, परमेश्वर आवाज दे रहा है, क्या कह रहा है, सुन तो लो, क्या है तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो आप भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। ओह परमेश्वर क्या कह रहा है, अरे भैया सुन तो लो, कहां जा रहे हो, अरे मेरी बेटी, अरे मेरा बेटा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, है ही क्या तुम्हारा जीवन, एक भाप के समान है। आप चाय बनाते होंगे, आप खाना बनाते होंगे, आप पानी गर्म करते होंगे, वो भाप दिखाई देती है ना, वो निकल रही है और लोप हो जा रही है, निकल रही है लोप हो जा रही है, ऐसे ही है। अभी हम दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं लोप हो गए, खत्म हो गए, हमारा जीवन समाप्त हो गया। लोगों के पास संदेश पहुंच गया कि अरे फलानी बहन जो है, फलाना भाई जो है, फलाना बुजुर्ग जो है, वो खत्म हो गया, मर गया। अरे कैसे, अभी तो यार हम अभी तो उनके घर से आ रहे हैं, अभी आए हैं, मुश्किल से हम अपने घर में आके 5 मिनट भी नहीं हुए खड़े हुए और ये वो गुजर गए, ऐसा क्या हो गया। यही चीज है परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सुन लो क्या है। और फिर क्या कहता है, बहुत से लोगों का जीवन है ही नहीं, आज बहुत अच्छा खा लिया हो या पी लिया हो, हमारी उम्र जो है 70 या 80 वर्ष तो हो जाती है, जैसे भजन संहिता 90:10 में लिखा, आखिरी पद है, मैं पढ़ाना चाहता हूँ भजन संहिता 90:10 में, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, वे जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते। हमारी आयु के दिन हमारी शक्ति के कारण, या हमने कुछ अच्छा खा लिया हो, कुछ अच्छे हो, पुराने समय के लोग 70-80 वर्ष तो हो जाते हैं, परंतु क्या है उसका परिणाम, क्या होता है, सिर्फ शोक और कष्ट ही कष्ट होता है और कुछ नहीं होता है। आपने देखा कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, पहले उम्र कितनी थी, पाप आया, हमारा जीवन निर्धारित हो गया कि अब हमारा जीवन ये 900 वर्ष या 1000 वर्ष के अंदर हमारा जीवन था, फिर 1000 वर्ष से घटकर जो है 500 वर्ष के अंतर्गत हो गया, फिर 200 वर्ष के अंतर्गत हो गया, और उसके बाद हमारा जीवन कुछ रहा ही नहीं, हमारा जीवन घास के समान हो गया, हमारा जीवन जो है 42 भर का हो गया, हमारा जीवन भाप के समान हो गया, हमारा जीवन, या हमारा जीवन माना 60-70 वर्ष भी हो गया तब भी सिर्फ बुराई और बुराई और कष्ट और कष्ट और दुखों के अलावा और कुछ नहीं है। मेरे प्यारे भाई, यदि आप आनंद जीवन प्राप्त करना चाहते हैं तो हम बुराई से पाप से दूर रहें और प्रभु में आए, प्रभु को अपनाएं, बुरे कामों को छोड़ें, बुराई को छोड़ें, भलाई करें और प्रभु की इच्छा को पूरा करें, तब हम आनंद जीवन प्राप्त करेंगे। और यह आनंद जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है जो हमें मिल सकता है, इसलिए प्रभु में बने रहिए, आनंद जीवन को प्राप्त करिए। प्रभु आप सबको आशीष दे।